आज आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ चिकन नगेट्स अपने रेसिपी से और अपने स्टाइल में। खैर मेरा स्टाइल तो नहीं है, ये रेस्टोरेंट वगैरह में बिल्कुल इसी स्टाइल में बनाते हैं, तो ये प्रोफेशनल लेवल पे किस तरीके से बनाते हैं वही आप लोगों को आज सिखा रहा हूँ। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने बहुत सारी रेसिपी आप लोगों ने ट्राई की होंगी, लेकिन ये ट्राई कीजिएगा, आपको लगेगा कि वाकई में ये आपने कोई चीज बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ चिकन जो है मैंने पहले बना के रखी है थोड़ी सी आप लोगों को दिखाने के लिए। आपने ये देखा होगा ये पीस जो है ना चिकन का, कहाँ मतलब चिकन के जो सीने का पीस होता है तो उसके जो नरम हड्डी के पास जो दोनों साइड पे जो थोड़ा सा गोश्त होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये तीन पीस निकलते हैं इसमें से, तो हम इसके बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है सब जगह तो वो नहीं, मतलब इतने सारे पीस वो नहीं होते, उसमें सिर्फ दो ही होते हैं और दो में से छह पीस निकलते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया, लेकिन जाहिर बात है सबको तो नहीं मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके बता देता हूँ। बोनलेस चिकन लिए, ठीक है, अब बोनलेस चिकन को जो है ना मैंने इसी तरीके से जो है ना ये जैसे पसंद है जो है काटते हैं बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना आप लोगों ने काट लेना है, ये देखें। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा मोटा लगे तो आप इस तरीके से छुरी से इसको प्रेस कर दें। देखिए इस तरीके से आपने सारे कर लेने, ठीक है, और ये कटिंग कर लेनी है, और कम से कम 250 ग्राम यानी कि एक पाव चिकन होनी चाहिए आपकी। अच्छा जी, चिकन जो है वो कटिंग हो गई, ठीक है, और 250 ग्राम चिकन लिया मैंने। अब इसकी मैंने इसको मैरिनेट करके इसको रखूंगा मैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सोया सॉस, और 1 टीस्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर, ठीक है, और यहाँ मैंने लिया है ऑयल लिया है, इसमें वैसे ऑलिव ऑयल जो है यूज होता है, 1 टेबल स्पून वो यूज करें, और इसमें 1 टीस्पून हनी शहद, ठीक है, इसको सबको मिक्स करके इसको मैं मैरिनेट करूंगा। इसको अच्छी तरह जो है ना मैरिनेट करके रखना है। अच्छा, कोशिश करें कि इसको मैरिनेट करके कम से कम जो है आधा घंटा या पौना घंटा इसको आप रखें। अच्छा, चिकन को रख दिया, अब मैं इसका बनाऊंगा बैटर। अच्छा, बैटर के लिए जो है 50 ग्राम जो है मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, यानी कि 4 टेबल स्पून कम से कम, और 50 ग्राम जो है इसमें मैंने लिया है मैदा, ये भी कम से कम 4 टेबल स्पून होगा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून वाइट पेपर दखनी मिर्च पिसी हुई, और 1 टीस्पून जो है इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च पिसी हुई, 2 टीस्पून इसमें नमक, नमक आप लोग अपने हिसाब से पहले कम यूज कीजिएगा और फिर बाद में इसको चेक कर लीजिएगा कि अगर कम हो तो इसमें ऐड कर दीजिएगा, लेकिन इसमें मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐड किया है। यहाँ लिया है मैंने विनीगर, इसमें कम से कम 2 टेबल स्पून है, 2 से 3 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट इसमें कम से कम 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें यूज किया, और मस्टर्ड पेस्ट मिल जाता है इसमें, आसानी से मिल जाता है। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिए ग्रीन चिल्ली, ये सिर्फ मैं इसलिए स्पाइसी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, वैसे इसमें डलता नहीं है, लेकिन अगर जिसको स्पाइसी खाना है तो इसमें आप हरी मिर्च का जो है वो आप पेस्ट बना लें, और इसमें 1 टेबल स्पून आप इसमें यूज करें, और इसमें 1 अंडा इसमें शामिल करूंगा। अच्छा, इन सारी चीजों को जो है वो मैं बीट कर लूंगा। अच्छा, इसको बैटर जो है वो रेडी करके इसको रख देना है, जब तक इसको आधा घंटा होगा उसके बाद इसमें डिप करूंगा। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आपका ये बैटर जो है थिक होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगे ये थिन है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा, मैदा ऐड नहीं कीजिएगा, कॉर्नफ्लोर से क्या होगा थोड़ा सा क्रिस्पी आएगा। अच्छा, बैटर बना के मैं रख दूंगा इसको, जब इसको आधा घंटा हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो है इसको डिप करूंगा। अच्छा, ये इसको आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये चिकन जो है जो मैरिनेट करके रखी थी वो मैं इसमें बैटर में डाल दूंगा और इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लूँगा। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है, एक एक पीस लेना है, ब्रेड क्रम लेना है आप लोगों ने वाइट वाला, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से कोट करके ब्रेड क्रम, और इसको रखते रहना है। अच्छा, इसको चाहें तो आप लोग इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, ठीक है, आप इसको फ्रीज करके रख दें, जब चाहिए आपको आप इसको फ्राई करें और इसको सर्व करें। अच्छा, इसको कोशिश करें आप लोग रात में बना के रख दें इसका बैटर वगैरह, क्योंकि रमजानों में तो जाहिर बात है आप लोग चेक नहीं कर सकते, तो रात में बना के रख दें, अगर आपको इसमें कुछ नमक वगैरह कम लगे तो आप इसमें जो है और ऐड कर सकते हैं।
अच्छा इसको गर्म कोट कर लिया, अब मैं इसको फ्राई करूँगा। अच्छा ये ऑयल जो है वो नॉर्मल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना ये है कि वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। जी हमारे फ्राई हो गए, जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आप इनको निकाल लें। अच्छा ये हमारे फ्राई हो गए, अब इसमें डिश में लगा रहा हूँ। अच्छा ये हमारे रेडी हो गए, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।